तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2। अरे बस समझ में, रिकैपिचुलेट तो करना पड़ेगा। चैप्टर चल रहा था केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बात को ध्यान से समझना, मैंने अभी आपसे सिर्फ इतना पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा अमन, कोई भी एक एग्जाम्पल, या केमिकल रिएक्शन क्या होगा, क्या मतलब, कोई आइडिया नहीं है केमिकल रिएक्शन का मतलब, कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो अपने आसपास से जिससे आपको पता चले हाँ दिस इज केमिकल रिएक्शन और दिस इज फिजिकल रिएक्शन और दिस इज केमिकल चेंज और दिस इज फिजिकल चेंज, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में, आपके दिमाग में कोई आ रहा है आसपास, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं देखी कोई चेंज, दूध से दही बनना क्या है, केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है ना, कागज का जलना फिजिकल है, कागज अगर एक बार जल गया तो वापस रिवर्स हो सकता है, केमिकल चेंज है ना, और क्या बोला, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ क्रैकर्स और कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन देखा है जंग लगना, तो ये क्या केमिकल चेंज नहीं है, कॉपर पे आपने देखा है कोरोजन, कॉपर पे कॉपर ग्रीन, ग्रीन कॉपर नहीं देखा कभी, कॉपर का कोई बर्तन है अगर आप खुले में रख देंगे तो कुछ दिनों बाद वो ग्रीन एक लेयर चढ़ेगी उस पर, अच्छा सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, देखा है मैंने आपने सिल्वर कभी ब्लैक कलर की हो जाएगी, सिल्वर सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं लाइमस्टोन देखा है, मार्बल इसको हीट किया है कभी, सपोज करो अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, किसमें बदलेगा धन इसका, अगर हम लाइमस्टोन चूना पत्थर यानी मार्बल को गर्म करें तो क्या क्या होगा, कन्वर्जन क्या होगा, टैबलेट दो नहीं पता, चूना देखा आपने, चूना चूना वही जो सफेदी होती है वो वाला चूना व्हाइट कलर का, उस चूने में अगर आप पानी मिला दो, ठीक है अगर आप पानी मिला दो, पानी मिलाने के बाद क्या होगा, चूना जो पाउडर फॉर्म है वो किस में बदल जाएगा, स्लैक्ड लाइम में, और आपने देखा होगा उसमें से हीट भी निकलती है, कभी देखा हीट निकलती हुई देखी आपने अमन, हीट निकलती हुई देखी आपने, चूना देखा है, एक काम करना अगली बार से कभी आप चूना देखो तो उसमें थोड़ा चूना ले लेना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, लेकिन वो तुरंत विजिबल नहीं होगा, लुक एट ये आपको दिख रहा है चूना है ये, लेकिन इसमें पानी डाल दिया थोड़ा, ये नहीं कि तुरंत रिएक्शन होगा, पानी डालने के बाद क्या होगा, थोड़ा समय बाद एक घंटे बाद या आधा मिनट या आधे घंटे बाद क्या होगा कि वो कन्वर्ट होगा, उसमें से लॉट ऑफ हीट रिलीज होगी, हो रही है क्या, देखना देखो गरम गरम जैसे भाप बनती है ना एक तरीके से, वेपर बनती है, पानी उबलता है, उस तरीके से इसमें क्या आएगा, पानी थोड़ा सा बॉयल होगा, तो केमिकल रिएक्शन का एक पहचान ये भी होती है कि उसमें से हीट निकलेगी, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसमें से हीट निकलेगी या उसमें से कोई गैस निकलेगी या उसका कलर चेंज होगा, अरे बात समझ में, आप कागज को जलाओगे क्या उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसे अब देखो ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वेपर निकल रही है, देखो कितना धुआं निकल रहा है, यानी चूना, इसको सिंपल वर्ड में बोलेंगे चूना, यानी क्विक लाइम, और क्विक लाइम में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम में, तो क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और इसमें हमने क्या ऐड किया था, वाटर,
तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, CaOH2, यानी ये स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ इसमें से थोड़ी सी या बहुत ज्यादा हीट भी निकली, ठीक है ना, हीट भी रिलीज हो रही है। सिंपल पानी डाला हमने, नॉर्मल पानी डाला चूने में, और ये जो कन्वर्जन हुआ वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम में, और क्या निकला, हीट निकली। तो इसको हम एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके अलावा अगर आप इसको क्या बोलेंगे बेटा अमन, इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई नाम याद आ रहा है, SO4 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं SO4 को, सल्फेट। ये हो गया फेरस सल्फेट, टेबल नंबर 3.6 क्लास 9th, 9वीं क्लास की टेबल नंबर 3.6 साइंस की बुक, कल याद करना। तो ये FeSO4 है जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है पता है आपको, ये ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है, सुनना ध्यान से, फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का पाउडर होता है, सॉल्ट होता है, नमक की तरह होता है, जहरीला होता है, लेकिन कभी इसको आप टेस्ट मत करना, ठीक है। फेरस सल्फेट जो होता है एक पाउडर फॉर्म में होता है, कैसे कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। और जब आप इसे हीट करोगे, तो जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, ठीक है, ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब कलर चेंज हो तो क्या वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, केमिकल रिएक्शन की एक पहचान होती है कि उसमें कलर चेंज आएगा। तो दिस इज ए अनादर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मैं एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ जो आपकी बुक में, अगर आपकी बुक में नहीं है तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं देता, ठीक है। आपने ये नहीं पूछा कि सर ये डॉट 7H2 का क्या मीनिंग है, अब ये देखो अगर आपको थोड़ा दिख रहा है तो ग्रीन कलर का पाउडर है, अभी जूम करेंगे, पहले स्टार्ट तो हो जाइए, कुछ गड़बड़ है इसमें, देखते हैं क्या हो सकता है। जब होगा तब देखेंगे। हाँ बोलो। हाँ नहीं, केमिकल की थी, इधर देखो, नहीं 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 ऐसा नहीं था, इन्होंने क्या लिया देखो, ग्रीन कलर का पाउडर लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ग्रीन कलर का पाउडर। अब उसको क्या कर रहे हैं लोग, हीट कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर का पाउडर धीरे धीरे कैसे चेंज हो जाएगा, पहले वो व्हाइट हो जाएगा, तो पहले वो कलर चेंज होगा, व्हाइट हो गया इसका मतलब समझे आप कि उसमें से पानी जो है वो उड़ गया, पानी इवेपोरेट हो गया। जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो व्हाइट हो जाएगा, और फिर फर्दर आप हीट करोगे तो व्हाइट की जगह कैसा हो जाएगा, ब्राउन, कैसा हो जाएगा, ब्राउन। धीरे धीरे जो व्हाइट कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि फेरस सल्फेट पहले ग्रीन कलर था, ग्रीन के बाद कैसा कलर होगा, व्हाइट, और व्हाइट के बाद फिर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। ग्रीन क्यों था, क्योंकि देखो ग्रीन क्यों था, ग्रीन इसलिए था क्योंकि इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल थे। डॉट, डॉट का मतलब है कि एक फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल है, सपोज करो एक फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल है, एक मान लो मैंने क्या बनाया, एक फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल बनाया, एक 7H2O, मतलब समझ रहे हो आप, 7H2O, इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, 7 वाटर मॉलिक्यूल किसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, फेरस सल्फेट के चारों तरफ, जिस वजह से उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। जब इसको हीट करेंगे, किसको, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, FeSO4, इसका कलर कैसा होगा,
वाइट। अरे बात समझ में, इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? Fe2O3 में, और इसमें से दो खतरनाक गैस निकलेंगी जिसको हम बोलेंगे SO2 और SO3। उसमें से गैस निकलेंगी, आप उसको डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते, डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है ना, ये डायग्राम बना हुआ है, क्या ये लड़की टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट इनहेल कर रही है क्या? ये जो गैस है उसको थोड़ा टच करा, हाथ लगाया और उस हाथ को थोड़ा सा स्मेल किया, सो डैट कि हमें स्मेल पता चल सके अगर सफोकेटिंग हुआ तो। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी गैसेस होती है, वो खतरनाक होती है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी गैस है, जहरीली है क्या है, तो इसलिए किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी गैस को डायरेक्ट इनहेल नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि जो आपके पास FeSO4 है यानी कि फेरस सल्फेट है, उसको पहले हीट कर रहे हैं, वो हीट करने के बाद क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज होके किसमें चेंज हो गया, Fe2O3, और इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा एक ही बनेगा कि अ ग्रीन कलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग, सुनना ध्यान से, अ ग्रीन कलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग गिव्स अ व्हाइट कलर सब्सटेंस, ऑन फर्दर हीटिंग इट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द ग्रीन सब्सटेंस। तो उस ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्या होना चाहिए? सवाल समझ में आया? पहेली की तरह आएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे बोलेगा कि ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। आपसे पूछेगा व्हाइट क्यों हो गया, तो आप बोल देना ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, उसमें रिमूव हो गए। अगर आपसे ये पूछे कि उसका कलर ग्रीन क्यों है, तो बोल देना ड्यू टू क्रिस्टल ऑफ वाटर, वाटर के क्रिस्टल उसमें क्या है, एडेड है। और व्हाइट क्यों हो गया, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड नेम द ब्राउन कलर सब्सटेंस, उस ब्राउन कलर सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला या उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है Fe2O3। क्या नाम है? Fe2O3, और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। आप उसे एक चीज पूछिए कि सर इसका नाम फेरस सल्फेट क्यों है और इसका नाम फेरिक क्यों है, ये फेरिक क्यों है, यहाँ पे फेरस क्यों है? ये क्या है Fe, ये क्या है SO4, फेरस की वैलेंसी कितनी है, +2, सल्फेट की -2, 2 से 2 कैंसल हो गया तो क्या आया, बोलो, ये FeSO4। जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो उसे कहते हैं फेरस, क्या बोलते हैं बेटा, फेरस। और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो इसका नाम फेरस सल्फेट क्यों है अमन, इसका नाम फेरस सल्फेट क्यों है FeSO4 का नाम, बिकॉज द बैलेंसी ऑफ Fe इज 2, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फेरस। ये चेक करना Fe2O3, आयरन की बैलेंसी कितनी है, 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, और जब आयरन की बैलेंसी 3 होती है तो उसको बोलेंगे फेरिक, अगर बैलेंसी 3 है तो फेरिक और बैलेंसी 2 है तो फेरस। देखो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब बैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 जा रहा है, मतलब इसकी बैलेंसी उसके पास जाएगी और इसकी बैलेंसी इसके पास आएगी। ये 2 है तो 2 तो आयरन पे आ गया, और ये 3 है, इसका मतलब 3 कहाँ कहाँ से आया, आयरन से, इसकी बैलेंसी 3 है, आयरन की बैलेंसी 3 है, 3 किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ समझे नहीं समझे? तो फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट, फेरस क्यों बोलेंगे, उसकी बैलेंसी कितनी है, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तभी तो FeSO4 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि सल्फेट की बैलेंसी 2 होती है और फेरिक में बैलेंसी कितनी होती है, 3, पता चल रहा है ना, 3 आ रहा है। अगर सपोज करो ये आता Fe O, ध्यान से सुनना, अगर Fe की बैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, Fe O2।
ओ, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे या फेरस ऑक्साइड बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस ही दो है, तो इसलिए इसका नाम फेरस होगा, फेरस ऑक्साइड। और इसकी बैलेंस ही तीन है तो फेरिक, और दो है तो फेरस। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? फेरस फेरिक में डिफरेंस समझ में नहीं आया? क्यों? फेरस कब बोलेंगे आयरन को, फेरिक कब बोलेंगे? बताओ तो सही। सर वो तो पूछना है देखो मैंने इनको ही बताया, बताओ भाई। क्योंकि आयरन का अगर बैलेंस तीन हो तो फेरस कहेंगे और फिर बैलेंस दो हो तो फेरस बस इतना ही तो बताया मैंने, बताओ क्या बताया इन्होंने वैलेंसी दो होगी तो किसकी? आयरन की वैलेंसी दो होगी तो उसे क्या बोलेंगे? फेरस। बस क्या दिक्कत है? अब पूछो फिर से। अगर आयरन की वैलेंसी टू है तो उसे क्या बोलेंगे? फेरस। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 9th क्लास में लिखा हुआ है। और तीन है तो फेरिक। और अब मैं बता तो रहा हूं बेटा, अगर अभी भी अगर आप ध्यान कंसंट्रेट नहीं करोगे तो कैसे आएगा? प्लस टू का मतलब फेरस और प्लस थ्री का मतलब फेरिक, इतना लिख लो अगर नहीं आया तो समझ में। आपको तो पता था, आपको नहीं पता था? पता था। अच्छी, वन वन नहीं लिखा, टू और थ्री लिखा है, वन नहीं लिखा कभी। लिख लो है कॉपर। हाँ कॉपर है, आयरन नहीं है। हाँ क्यों पर ऐसा? लिख लो प्लस टू और प्लस थ्री तो लिखो कम से कम। और इसके ऊपर क्या सवाल है? Fe(SO4) के ऊपर बुक है आपकी? बुक नेम द छोटा फ्रैक्शन ना, आई हैव अ मटेरियल एक्स, आई हैव अ सॉलिड एक्स दैट टर्न्स दैट इज ओरिजिनली ग्रीन बट व्हेन हीट इट टर्न्स इनटू व्हाइट आफ्टर फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ब्राउन, हाँ, व्हाट इज एक्स? तो ग्रीन कलर के सब्सटेंस का क्या नाम है बेटा? फेरस सल्फेट। यस और व्हाइट कलर सब्सटेंस का नाम फेरस, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड क्योंकि इसके अंदर पानी हाइड्रेटेड है। ऑक्सीजन। 7H2 आपको लिखना पड़ेगा, अगर ग्रीन है ना तो आपको 7H2O लिखना पड़ेगा डॉट के साथ। हाँ तो फॉर्मूला लिख दो, नहीं प्लस नहीं चलेगा ना, डॉट लिखना पड़ेगा। डॉट का मतलब उससे अटैच है और प्लस का मतलब उससे अटैच नहीं है, तो सर डॉट का ऑरिजिन तो प्लस होता है। आप समझो। ये कैप इससे अटैच है, इसका मतलब डॉट है। अब ये प्लस है, मतलब मैं प्लस करूंगा, अभी प्लस हुए नहीं है। 2+2 मतलब 2+2 होने वाले हैं। मतलब वो एक ही चीज है। 2+2=4। ये प्लस होंगे उसके बाद ये 4 आया, ये हो चुके हैं तब 4 आया, ये होंगे तब, ठीक है ना? तो डॉट का मतलब उसमें ऐड हो चुका है और प्लस का मतलब ऐड करेंगे तो होगा। आप ऐसे समझो इसको, आपका सवाल सही है। ये चीज तो समझ में आई ना, फेरिस और फेरिक और फेरस क्या है, ऐसे समझो इसको। देखो अब समझ में आएगा प्लस और डॉट में क्या फर्क है। बेटा इधर देखो, ये है Fe(SO4) और इसमें हम 7H2O मिला दें, तो मिलाने के बाद Fe(SO4) 7H2O आएगा। ये Fe(SO4) अलग है और वाटर अलग है, इधर देखो, और ये Fe(SO4) और वाटर एक साथ है। सर ब्राउन वाले का क्या निकलेंगे? उनका मास बारिश फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड और बाकी वो जो SO2 SO3 एस, निकलेंगे वो गैस है, वो वो गैस लिखे ना लिखे निकलेंगी। हाँ वो भी नहीं, ब्राउन कलर तो सिर्फ इसी का आएगा, वो तो गैस है। वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आपसे पूछता ब्राउन कलर सब्सटेंस बताओ तो खाली सब्सटेंस तो यही आएगा ना, और अगर बोलता गैस बताओ तो फिर गैस ही आएगी। गैसेस के नाम क्या है इंग्लिश में? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ सर ऐसे कर इक्वेशन, सकते हैं ना, पहले इक्वेशन इक्वेशन देखो, में लिख दिया फिर ग्रीन कलर नीचे जाके लिख दिया। मेरी बात सुनो, जितना सवाल पूछा जाएगा उसी हिसाब से उसका आंसर होगा। आपसे पूछा जाएगा ग्रीन कलर सब्सटेंस तो आप क्या लिखोगे? Fe(SO4) डॉट 7H2, आप ये लिखोगे। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, नेम द ग्रीन कलर सब्सटेंस।
ग्रीन कलर सब्सटेंस, फिर नेम द वाइट कलर सब्सटेंस और नेम द ब्राउन कलर सब्सटेंस, इसको वो कर दो भाई, नेम द ग्रीन कलर सब्सटेंस, नेम द वाइट कलर सब्सटेंस, नेम द ब्राउन कलर सब्सटेंस। पेपर में हो सकता है उसका नाम ए बी सी हो, कि ए इज अ ग्रीन कलर सब्सटेंस, बी इज अ वाइट कलर सब्सटेंस, सी इज अ ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो आपको ऐसे लिखकर ग्रीन कलर सब्सटेंस के आगे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे ग्रीन कलर सब्सटेंस के आगे? अरे फॉर्मूला बता दो सिंपल, FeSO4. इतना लिख दोगे? लिखा है ना ये FeSO4.7H2O, इसका कलर कैसा है? ग्रीन। बोलेगा व्हाइट कलर सब्सटेंस, तो व्हाइट कलर में क्या लिखोगे? सिंपल FeSO4, इतना लिख दोगे, सिंपल FeSO4, वो व्हाइट है। और ब्राउन कलर सब्सटेंस क्या लिखोगे? Fe2O3। और अगर आपसे ये पूछे कि दो गैस भी निकल रही हैं, दो गैस भी निकल रही हैं, तो उन गैस का नाम क्या होगा? SO2 एंड SO3। तब जाके सब, हाँ इतना लिख दो चल जाएगा काम। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रोक दो फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेना, फोन नहीं चाहिए।